बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन कराम, मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अफगान अपडेट्स विद शहाब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त अफगानिस्तान की सूरत हाल पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बनी हुई है और पूरी की पूरी दुनिया और बिलखसूस इस खित्ते के मुल्क या फिर ये कहा जाए कि अफगानिस्तान के हमसाया मुल्क जो हैं उन्हें सिर्फ एक कंसर्न है कि कहीं उन्हें अफगान तालिबान से कोई खतरा तो नहीं है। इस सब के अंदर एक जानिब तो रूस ने यह कह दिया कि सेंट्रल एशिया ममालिक जो हैं उनमें से किसी मुल्क को भी अफगान तालिबान से कोई खतरा नहीं है और अफगान तालिबान ने हमें गारंटी दे दी है। ईरान भी इस वक्त इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर काफी काम नजर आता है और पाकिस्तान का भी अपेरेंटली यही लग रहा है कि पाकिस्तान को अफगान तालिबान से कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा। लेकिन इस सब के अंदर एक ऐसी वीडियो सामने आई है अफगान तालिबान के एक लीडर की और यह वीडियो जो है ये इंडियन मीडिया पर वीडियो पैगाम जारी किया गया है जिसमें पाकिस्तान को अफगानिस्तान का और अफगान तालिबान का असल दुश्मन कहा गया है। डॉलर्स के एवज अफगान सरजमीन के अंदर जंग जो है वो करवाने का कसूरवार ठहराया गया है। इस हवाले से आज की इस वीडियो में मैं इस पूरी की पूरी सूरत हाल को आपके सामने रखूंगा कि ये मामला और ये माजरा आखिर है क्या। वहीं दूसरी जानिब अफगान तालिबान के लिए चैलेंजेस जो हैं वो भी शुरू हो चुके हैं और अफगान तालिबान को पहली बगावत का सामना करना पड़ रहा है। एक तो उन्हें पंजशीर के अंदर अपने खिलाफ एक पूरी रेजिस्टेंस का माहौल जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है, एक उनके खिलाफ पूरी की पूरी एक पूरा का पूरा महाज बनाया जा रहा है। वहीं दूसरी जानिब अवामी बगावत, ये मुसल्ला बगावत नहीं है बल्कि ये अवामी बगावत जो कि ह्यूमन राइट्स के पैराए में आकर तालिबान को प्रेशराइज करने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और तालिबान के साथ एग्जैक्टली अगर कहा जाए पाकिस्तान वाली गेम जो है वो शुरू हो चुकी है। इस हवाले से भी आज की इस वीडियो में एक्सक्लूसिव डिटेल्स जो है वो आपके सामने रखी जाएंगी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त है कि वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज आप तक पहुंचती रहे और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के जरिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, अफगान तालिबान के हवाले से जो दो बड़ी चीजें हमने डिस्कस करनी है उन पर आने से पहले मैं जल्दी जल्दी आपके सामने अफगानिस्तान से जो लेटेस्ट खबरें आई हैं, जो लेटेस्ट तालिबान के इक्तदार के बाद वहां की सूरत हाल है वो रख देता हूं क्योंकि हमारी ये वीडियो तीन सेगमेंट्स के अंदर होगी। पहले सेगमेंट के अंदर मैं आपके सामने जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है और हालिया अपडेट से अभी तक की तमाम तर ऑथेंटिक खबरें वो आपके सामने रखूंगा। दूसरी अपडेट में तालिबान मुखालिफ बगावत और तीसरे सेगमेंट के अंदर हम पाकिस्तान के खिलाफ तालिबान ने कोई महाज खड़ा किया है नहीं, वो वीडियो क्या है उस हवाले से बात की जाएगी। अब नाज़रीन किराम, आप सबसे पहले ये खबर देखें, तालिबान डेलीगेशन विजिटेड इमाम बारगाह इन काबुल एंड अटेंडेड अ मुहर्रम मजलिस इन अ साइन ऑफ अश्योरेंस टू शियाज फॉर ऑब्जर्वेंस ऑफ देयर रिलीजियस रिचुअल्स ऑफ मुहर्रम। इससे पहले अफगान तालिबान ने यकीन दहानी तो कराई थी लेकिन यह तारीख में एक बहुत बड़ा मौका है और यह तारीखी मनाजिर है कि एक इमाम बारगाह जो काबुल में है वहां पर अफगान तालिबान सिर्फ गए नहीं, वहां पर मजलिस के अंदर बैठकर मजलिस अटेंड की है। इस तरह की कोई चीज आज से 20 साल पहले एक्सपेक्ट करना या इवन वहां पर आजादी से इस तरह से किसी मजलिस का इनेकाद करना भी एक बईदस कयास था कि आप सोच भी नहीं सकते थे ऐसा होगा। और इस वक्त ऐसा लग रहा है कि अफगान तालिबान जो है वो बहुत कुछ सोच कर आए हैं। 20 साल से गारों में रहकर उन्होंने ये सोच लिया है कि हम दुनिया से कट कर नहीं रह सकते। वो सिखों से मिले काबुल के अंदर, हिंदुओं से मिले, उन्हें यकीन दहानियां करवा रहे हैं, औरतों से मिल रहे हैं, फीमेल टीचरों से मिल रहे हैं, फीमेल डॉक्टर्स, फीमेल नर्सेज, इन सबको मिलकर कह रहे हैं भैया आप काम जारी रखें, आप डरे नहीं, हम आपके साथ हैं, आपको कोई कुछ कहता है तो हम उससे कुछ कहेंगे, आपके हम मुहाफिज हैं। अब आप एक और खबर भी देख सकते हैं, खवातीन सहाफी काबुल में काम कर रही हैं। अफगानिस्तान के सबसे बड़े टीवी चैनल तलू न्यूज की नुमाइंदा ज़ाहरा रहीमी रिपोर्टिंग करते हुए उन्होंने काबुल के शहरियों से उनके तासुरात मालूम किए और इस सब के अंदर मैं आपको यह भी बताऊं कि तलू न्यूज जो है उसके कंपाउंड में तालिबान दाखिल हो गए थे, उनके बड़े खदशात थे और फिर तालिबान ने यह खदशात दूर नहीं किए, सिर्फ तालिबान ने कहा कि आप अपनी फीमेल एंकर्स को वापस टीवी पर बिठाएं, वो टीवी पर बैठकर हमारा इंटरव्यू करें ताकि एक स्टेटमेंट जाए कि हम इस चीज के भी खिलाफ नहीं है, हम मुनासिब कपड़ों के साथ अगर एक इज्जत और एहतराम जो होता है औरत का उसे बरकरार रखकर टीवी पर आना चाहती हैं तो हम उस चीज का खैर मकदम करेंगे। और आप ये देख सकते हैं तालिबान ने खदशात दूर कर दिए,
अफगानिस्तान के बड़े टीवी चैनल तलू ने खवातीन एंकर्स के साथ मामूल की नशरियात बहाल कर दी। तालिबान के ज़ेरे कंट्रोल काबुल में खवातीन एंकर्स के टीवी पर आने को बड़ी तब्दीली के तौर पर देखा जा रहा है और ये दर हकीकत एक बहुत बड़ी तब्दीली है। इसके साथ ही साथ एक और खबर आप देख सकते हैं, ब्रेकिंग न्यूज, तालिबान ने सरकारी ऑफिशियल्स और अमले के लिए आम मुआफी का ऐलान कर दिया और सबको काम पर आने का कह दिया। आपको पता है कि एक मुल्क जो होता है, एक शहर चलता है, वो सरकारी अमले से चलता है। आपके ट्रैफिक वार्डन, आपके पुलिस के लोग, आपके दीगर जो महकमे हैं, आपके बल्दिया का महकमा है, लोकल बॉडीज हैं, आपके सफाई करने वाले, हर चीज जो है उन सबको कहा है कि वापस काम पर आए, फौरी काम करें, आवाम को कोई मसला ना हो। और यही हुआ है। दो दिन ड्यूटी से खुद साख्ता छुट्टी के बाद काबुल में ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने आज ड्यूटी संभाल ली। ट्रैफिक एहलकारों के ना होने के बाद सड़कों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम रहता था और अफगान तालिबान जो है वो खुद से कोई ट्रैफिक चलाने की कोशिश करते थे लेकिन प्रोफेशनल तो है नहीं, उन्होंने ट्रेनिंग तो नहीं ली हुई जिस तरह से ट्रैफिक पुलिस वालों की होती है कि ट्रैफिक का भाव कैसे चलता है। तो अब वो भी वापस आ चुके हैं और तालिबान के जेरे कंट्रोल वो वापस आ चुके हैं। दूसरी जानिब हुकूमत बनाने के लिए भी इस वक्त मुशावरत जो है वो जारी और सारी है। इस सब के अंदर कुछ इंटरनेशनल अपडेट्स भी हैं। सबसे पहले तो तुर्की के सदर जो है उन्होंने पाकिस्तान के वजीर आजम को कॉल की और उस कॉल ने काम दिखाया। तालिबान ने तुर्की के हक में पहली दफा स्टेटमेंट दे दी और अब तुर्की ने भी ऐलान कर दिया और आप देख सकते हैं तुर्की ने काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी संभालने का मंसूबा तर्क कर दिया। तालिबान ने कहा तो तुर्की मदद करेगा, जराए अगर तालिबान ने कहा तो तुर्की आएगा वरना किसी के कहने पर नहीं आएगा। इसके साथ साथ जर्मनी जो है वो भी अमेरिका, यूरोप और दीगर यूके जो ममालिक है, इन सारे ममालिक की तरह वहां से लोगों को जिन्होंने मदद की थी इनकी अपने ही मुल्क के खिलाफ गद्दारी की थी एक तरह से आम अल्फाज में कहा जाए, उन्हें वापस बुलाने का भी कहा है। और जर्मनी को अफगानिस्तान से 10,000 अफराद को बचाने की जरूरत पड़ सकती है, यह एंजेला मर्कल ने कहा है। जबकि वहां पर तालिबान मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी और कंट्रोल जो है वो संभाले हुए हैं और आप ये देख सकते हैं वीडियो शोज तालिबान कैरिंग आउट इवैक्यूएशन ऑफ फॉरेन नेशनल्स टुवर्ड द काबुल एयरपोर्ट। जो गैर मुल्की काबुल एयरपोर्ट जाना चाहते हैं उन्हें सिक्योरिटी भी तालिबान ने देनी शुरू कर दी है। मैं एक्सक्लूसिव वीडियो आपके साथ शेयर कर देता हूं। ये अभी आप देखिएगा कि ये यहां पर सड़क है और ये यहां से इनके लोग आएंगे और इन्हें सिक्योरिटी दी जा रही है। अफगान तालिबान की सिक्योरिटी के अंदर जो फॉरेन नेशनल है उनके हिसार के अंदर इन फॉरेन नेशनल्स को यहां से अवैक्यूएट किया जा रहा है, यहां से निकाला जा रहा है और इन्हें खतरा तालिबान से नहीं है बल्कि तालिबान कह रहे हैं हम तो आपको सिक्योरिटी देंगे, हम तो आपके मुहाफिज बन गए हैं, हम तो आपको मजीद आगे लेकर इस तरह की चीजों में चलेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली जो है उसके तौर पर इस चीज को भी देखा जा रहा है, इस अमर को भी देखा जा रहा है। इसके साथ साथ नाज़रीन किराम हमारा जो दूसरा सेगमेंट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। एक जानिब तो अफगान तालिबान जो है उनके खिलाफ अब मुखालिफ महाज बनने शुरू हो चुके हैं। अमरुल्ला साले भी पंजशीर में है और अहमद शाह मसूद के बेटे जो हैं वो भी वहां पर हैं और आप ये इंडिपेंडेंट उर्दू की खबर देख सकते हैं। अहमद शाह मसूद के बेटे तालिबान मुखालिफ महाज का ऐलान। अहमद मसूद ने एक फ्रांसीसी मैगजीन लारेगल डी पी को पीर को एक मजमून में ऐलान किया कि वो अपने वालिद की तरह जद्दोजहद आजादी को मुनज्जम करना चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगान नायब सदर अमरुल्ला साले और अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद अफगानिस्तान का आइंदा का लाए अमल तय करने के लिए शुमाल में माजी में तालिबान मुखालिफ गढ़ वादी पंजशीर में जमा हुए हैं और ये जो इलाका है ये तालिबान का सबसे मुखालिफ गढ़ माजी में भी रहा है। इस इलाके में लोगों की अक्सरियत फारसी बोलने वाली है और तालिबान जो नस्ली एतबार से पश्तून है वहां बहुत कम असर रसूख रखते हैं। सुबह पंजशीर का दारुल हुकूमत बाजार तवील अरसे से मरकजी हुकूमतों के खिलाफ मजाहमत का मरकज रहा है और शुमाली इतिहाद के बड़े अड्डों में से एक है जिसने 2001 में अमरीका और दीगर बैन अल-अक़वामी ताकतों की मदद से तालिबान का तख्ता उलट दिया था। अब इस सब के अंदर जो अहमद शाह मसूद के बेटे हैं इन्होंने लिखा कि मेरे साथी और मैं उन तमाम आजाद अफगानों के साथ अपना खून देंगे जो गुलामी से इनकार करते हैं और जिनसे मैं मुतालबा करता हूं कि वो हमारे गढ़ पंजशीर में मेरा साथ दें जो हमारे मरते हुए मुल्क का आखिरी आजाद खित्ता है, यानी कि इट इज द ओनली इंडिपेंडेंट एरिया इन अफगानिस्तान, क्योंकि वहां पर तालिबान का कंट्रोल नहीं है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर और ये वहां पर पूरी की पूरी तैयारी भी कर रहे हैं और ये कह भी रहे हैं कि ये वहां पर लड़ना चाह रहे हैं और ये पूरे के पूरा महाज जो है गर्म हो रहा है। दूसरी जानिब औरतों के एहतजाज शुरू हो चुके हैं और आप ये देखें विमेन हैव गैदर्ड इन द वजीर अकबर खान एरिया ऑफ काबुल सिटी, दे वॉन्ट अफगान वुमेन टू बी इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, गवर्नेंस एंड द इकोनॉमी।
और ये तालिबान के सामने आकर एहतजाज कर रही हैं। वो बंदूकें पकड़े हुए हैं तो ये अपने बैनर्स पकड़े हुए हैं और ये यहां पर एहतजाज करके कह रही हैं कि हमें भी हुकूमत, हमें भी इकोनॉमी में, हमें भी गवर्नेंस में हिस्सा दो, हम औरतें हैं, हम बराबर के हक चाहती हैं, हमें अपने तमाम तर हुकूक चाहिए। और ये उसी तरह से आजादी जो है, क्योंकि आजादी की भी डेफिनेशंस हैं, बहुत सी आजादियां ऐसी होती हैं जो तुक नहीं बनती जिन आजादियों की, लेकिन वो फिर भी आजादी उसे कह रहे होते हैं। तो ये इस वक्त की एक बड़ी अपडेट है। अच्छा नाज़रीन कराम, अब जरा अपने तीसरे सेगमेंट पर आते हैं। एक वीडियो सामने आई है, तालिबान का कमांडर जो है, आप देख सकते हैं, तालिबान कमांडर का काबुल फतह करने के बाद पाकिस्तानियों के लिए पैगाम, तर्जुमा उर्दू जुबान में। ये जो वीडियो पैगाम इस वक्त सर्कुलेट कर रहा है, क्योंकि ये पश्तो में है, तो मैं आपके सामने इसकी पहले उर्दू रख देता हूं कि ये क्या कह रहा है, फिर हम बताएंगे कि ये कौन है। हमारे मुल्क अफगानिस्तान पाकिस्तान ने तबाह किया, हमारे मुल्क की हर तबाही का जिम्मेदार पाकिस्तान है, इस मरतबा हम तुम्हारे मकर फरेब और धोखे में नहीं आएंगे। हमारा मुल्क अमरीका ने नहीं बल्कि तुमने तबाह किया है, तुमने अमरीका से डॉलर लिए और उसके बदले हमारा मुल्क बर्बाद किया। हम तुमसे लड़ेंगे, हमारा बच्चा बच्चा तुमसे लड़ेगा, ये तुम्हारा मुकाबला करेंगे, ये जंग हमने जीती है, हमने जिहाद किया है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। मैंने कहा था कि सब कुछ अमरीकी आशीर्वाद से हो रहा है, तालिबान को अमरीका की तरफ से यकीन दिलाया गया है कि तुम्हारे वतन की बर्बादी में तुम्हारे पड़ोसी मुसलमान मुल्क का किरदार है, और यही यकीन दहानी अफगान हुकूमत को भी दी गई है। और तभी एक मंसूबे के तहत बगैर एक गोली चले पूरा मुल्क तालिबान को दिया गया, ताकि अमरीका समेत तमाम तर अफगानी धड़े इकट्ठे होकर पाकिस्तान से अपना बदला ले सकें। और इस सारे गेम में अमरीका और दीगर पड़ोसी मुल्क अफगानियों के साथ हैं, और इस सब के अंदर जो जश्न मना रहे हैं वो इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर, मैं आपको ये बता दूं कि ये उनके लिए एक पैगाम के तौर पर आ रहा था। अच्छा, अब ये जो वीडियो है नाज़रीन कराम, मैं आपको ये बताऊं कि एक तो इसकी जो ट्रांसलेशन जिस तरह मैंने आपके सामने रखी, इस ट्रांसलेशन को भी इन्होंने डिस्टॉर्ट किया है। ये ट्रांसलेशन के अंदर भी मुकम्मल तौर पर जो इसका टेंस है वो बदल दिया गया है। जिस तरह से मुस्तकबिल में की बात की जाती है या माजी की बात की जाती है, तो जो बातें ये मुस्तकबिल की कर रहा था कि हम अमेरिका के जाने के बाद सारे अफगान धड़े एक होकर तुमसे लड़ेंगे, उन्हें इन्होंने इस तरह से कर दिया कि जी हम अमेरिका से आजाद हो चुके हैं, जबकि हकीकत ये है कि ये मुल्ला अब्दुल मन्नान है और ये तालिबान का लीडर है और था। अलबत्ता ये 2018 में इसने ये बयान रिकॉर्ड कराया था, और 2018 में जब अफगान पीस प्रोसेस हो रहा था, शुरू हुआ था, उस वक्त इसने ये दोहा के अंदर जब मुज़ाकरात शुरू हुए थे ये बयान रिकॉर्ड करवाया था, और इसे बाद में जहन्नुम वासिल करके अहम पैगाम भी दे दिया गया था। और आप ये फेक न्यूज अलर्ट की खबर देख सकते हैं, ये वीडियो कई साल पुरानी है। मुल्ला अब्दुल मनान 2018 में हलाक हो गया था, ये फेक न्यूज है, ये इंडियन मीडिया और फिर कोई नादान दोस्त है हमारे या बड़ी दाना दुश्मन है जो इसे प्रोपगेट कर रहे हैं, कह रहे हैं बड़े भाई पाकिस्तानियों अब तुम तैयार हो जाओ, अब तुम खैर बनाओ। इसमें कोई हकीकत नहीं है। अफगान तालिबान बार बार कह चुके हैं हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी आपके खिलाफ, और पाकिस्तान भी इस चीज को इंश्योर करेगा, वरना इससे पहले अगर हम खुदा के आसरे पर ही बैठे होते तो अभी तक तुम्हारे मुल्क को खा चुके होते, हमारी फौजें जाग रही हैं, अगर किसी ने कोई हरकत की भी तो हम लोग तैयार बैठे हुए हैं, और हमें मजा चखाना इससे पहले भी आता है, आगे भी चखा लेंगे, हमारा क्या है। और ये जो चीज है ये कंप्लीटली फेक है। आपने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि ये पूरा पैगाम लोगों तक पहुंच सके। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का, मेरे इस मुल्क पाकिस्तान का भी, अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे ताकयामत रखे। अल्लाह के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।